नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का स्वागत करता है। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जब NSDL से पैन कार्ड बना रहे हैं तो आप सभी को समस्या आ रही है, तो हम उसी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए, जिससे जब भी कोई वीडियो बनाए तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जी, हमारा पोर्टल खुला है। सबसे पहले यहाँ पर आपको आके अपने पॉपअप की जो साइट सेटिंग रहती है इसको अलाउ करना, ये हम इसको अलाउ कर चुके हैं। अलाउ करने के बाद हम अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन होते हैं, तो चलिए हम अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं। ये वीडियो हमारे जो रिटेलर हैं उनके लिए भी है, साथ ही साथ जो अन्य कंपनी से पेपॉइंट का कार्ड अन्य कंपनियों से भी NSDL पैन कार्ड बनाते हैं तो उनके लिए भी है। तो आप सभी ये वीडियो देखिए, साइट सेटिंग से जाके पॉपअप अलाउ सभी को करना है, चाहे तो आप हमारे पोर्टल से पैन कार्ड बनाएं या किसी अन्य पोर्टल से आप पैन कार्ड बनाएं, आपको साइट सेटिंग से जाके पॉपअप अलाउ करना हमेशा अनिवार्य है। ये हम अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो चुके हैं। आईडी पासवर्ड से लॉगिन होने के बाद हमको NSDL पैन कार्ड में जाना और NSDL न्यू पैन कार्ड में क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन मोड सेलेक्ट करते हैं, तो ये पूरा आधार के अनुसार रहता है, नाम जन्मतिथि सब आपकी आधार कार्ड के अनुसार ही रहना चाहिए। तो चलिए हम आपको एक सैंपल दिखाते हैं, इसके बाद हम आधार के अनुसार अपना नाम डाल देते हैं। और इसके बाद हम आधार के अनुसार अपनी जन्मतिथि डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, जन्मतिथि आपको कैलेंडर के अनुसार ही डालना है, जन्मतिथि हमेशा आप कैलेंडर से ही डालिए। तो चलिए हम अपनी इधर पे जन्मतिथि डाल देते हैं। ये हमने अपनी जन्मतिथि डाल दी है। इसके बाद हम अपना जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं। और इसके बाद हम इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ये डिटेल भरना है। इसके बाद आधार के अनुसार ही हम अपना नाम वगैरह सब डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमको फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। और इसके बाद हम यूज माय आधार में क्लिक करके आगे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इस फॉर्म ने हमको आगे बढ़ने नहीं दिया है, इस फॉर्म ने हमको वापस पहले ही पेज पे ले आया है। तो हम आपको बता दें, ये एरर सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 1/1/1987 या 1/1/1960 या 1/1/1965 रहती है, तो इस डेट ऑफ बर्थ की वजह से ये आपको पैन कार्ड बनाने नहीं दे रहा है। क्योंकि जब आपके आधार कार्ड बने थे तो आधार कार्ड बनवाते समय
ये डेट ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट लोगों के आधार कार्ड में डली हुई है, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको सुधरवाना पड़ेगी पहले उनके आधार कार्ड में, उसके बाद ही आपको पैन कार्ड बनाने दिया जा सकेगा। एनएचडीएल ने इस चीज़ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए हैं। तो अब आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर एक एक करके कुछ होगी तो आपको पैन कार्ड बनाने में समस्या आएगी, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपको अगर पैन कार्ड बनाने में समस्या आ रही है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी ये डेट ऑफ बर्थ की वजह से ही आपकी पैन कार्ड बनाने में समस्या आ रही है, और ऐसे पैन कार्ड को आपको यूटीआई पोर्टल से ऑफलाइन बेस पे बनाना पड़ेगा। एनएचडीएल केवाईसी से इस टाइप के पैन कार्ड नहीं बन पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपके जो पैन कार्ड बनाने में समस्या आ रही है उसका समाधान यहाँ पे आपको मिला होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।